भारत एक लोकतांत्रिक देश। 1951 से अब तक कई बार इस देश में सरकारें बदली, लेकिन इतिहास रचा भाजपा ने। जब 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा ने जीत दर्ज की और बनी मोदी सरकार। अपने 2 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई अहम योजनाएं बनाई और कई अहम फैसले भी लिए। जहां एक तरफ कई विकास योजनाओं से देश की जनता को संतुष्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट में फेरबदल जैसे कड़े फैसले लेकर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के वादे को भी पूरा किया। अपने गुरु अटल बिहारी वाजपेयी का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे चेहरों को अपने साथ रखा जो आज भी देश के हित में कर्तव्य निष्ठ दिखते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है विजय गोयल। वैसे तो विजय गोयल को सियासत विरासत में मिली है। विजय गोयल के पिता चराती लाल गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और अपनी इसी सियासी विरासत को विजय गोयल ने शिखर तक पहुंचाया। छात्र राजनीति से विजय गोयल का सफल सियासी सफर आज भी जारी है। विजय गोयल को मोदी कैबिनेट में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जैसे अहम मंत्रालय की भागदौड़ सौंपी गई। खास बात तो ये है कि विजय गोयल को इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी वाजपेयी सरकार में भी दी गई थी। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल की। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री विजय गोयल ने अपने जीवन का अधिकांश समय राजनीति को दिया। 4 जनवरी 1954 में जन्मे विजय गोयल ने राजनीति के शुरुआती दौर में ही कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। दिल्ली में लॉटरी सिस्टम को बंद कराने की बात हो या दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्जी सर्टिफिकेट के खुलासे की, भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री गोयल अपनी आवाज बुलंद करने से कभी भी नहीं चूके। मोदी सरकार में जगह मिलने के बाद विजय गोयल ने सबसे पहले NMF न्यूज की टीम के सामने अपना विजन रखा। मैं पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे युवा एवं खेल मंत्रालय जैसा मेरी पसंद का मंत्रालय दिया। आज देश की 65% से ज़्यादा जनता युवा है और उन सारी 65% से ज़्यादा युवा जनता में मुझे खेल की भावना भी भरनी है और खेल भी भरने हैं। आखिर सवाल प्राथमिकता का है। पहली बात तो मैं क्रिकेट के अगेंस्ट में नहीं हूँ। क्रिकेट भी एक खेल है और क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो गांव-गांव तक पहुँचा है, पर मेरी प्राथमिकता है केवल क्रिकेट ही नहीं, मेरे देश में जो बाकी खेल हैं और ख़ास तौर से जो इंडियंस खेल हैं, चाहे वो खो खो है, कबड्डी है, पतंगबाजी है, हम उनको भी प्रोत्साहन दें। एक काम तो हमारा ये है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, हम ओलंपिक के अंदर, हम एशियन गेम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीते। उससे भी ज़्यादा प्राथमिकता मेरी ये है कि घर घर तक, कस्बे कस्बे तक, गाँव गाँव तक, शहर शहर तक, गली गली तक खेल जाएँ। मैं जब छोटा था तो गलियों में हम खेल लेते थे, अब गलियों में कारें खेलती हैं, खेलने की जगह नहीं है जी। हम जब थे पार्कों में खेल लेते थे, अब बुजुर्ग लोग हमको पार्कों में खेलने नहीं देते जी। मैदान सुकड़ते जा रहे हैं, तो मेरी प्राथमिकता है जितने मैदान बचे हों उनके लिए खेल के लिए इस्तेमाल हो। मेरी प्राथमिकता है एक आम नागरिक को खेल का सामान सुविधापूर्ण मिले। मेरी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल क्लब हो। आपको जानकर हैरानी होगी, अकेले चांदनी चौक में 100 से ज़्यादा कैरम बोर्ड के क्लब हैं, ऐसा लोग जानते ही नहीं हैं जी। तो मेरी प्राथमिकता के अंदर खेल को घर घर तक पहुंचाना है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि खेल को खेल की भावना से खेलो, खेलो और जियो। खेल में बढ़ते व्यवसायीकरण की वजह से IPL और प्रो लीग्स ने खास जगह बना ली है। इससे जुड़े सवाल पर खेल मंत्री ने कुछ इस तरह इस नवीनीकरण का समर्थन किया। कुल मिलाकर खेल तो रहे हैं ना लोग, IPL के कारण भी लोग मैच तो देख रहे हैं, खेल की भावना तो आ रही है। मेरा काम है क्रिकेट के साथ साथ और खेलों को भी प्रोत्साहन देना। अगर आज मैं क्रिकेट के मैच कराऊं तो सारा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा मैच खेलने के लिए गली गली के अंदर जाकर, पर मैं कल चाहता हूं हर घर घर में हर हाथ के अंदर एक फुटबॉल होनी चाहिए। दिल्ली में पूर्व में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी साबित करने वाले विजय गोयल ने दिल्ली सरकार के हालात पर कुछ यूं टिप्पणी की। केंद्र के पास जो विभाग हैं
उसमें प्रमुख रूप से लॉ एंड ऑर्डर है और उसके अंदर लैंड है, बाकी जो विभाग हैं वो तो उनके पास हैं। क्या उनकी समस्याएं उन्होंने हल कर ली? क्या जो मेरे हाथ में है उसके मैं हल नहीं कर रहा हूँ और जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं शोर मचा रहा हूँ? ये कहाँ का न्याय है जाके? ऐसा तो नहीं है पानी उनकी समस्या नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, बिजली उनके पास नहीं है, सड़क उनके पास नहीं है, नाली उनके पास नहीं है, खड़ंजा उनके पास नहीं है, अनाधिकृत कॉलोनी उनके पास है, गाँव है, विकास है। जिसको विकास करना है मैसेज देना पड़ेगा उसको जाके। आप प्रधानमंत्री से लड़के प्रधानमंत्री का कद और पद नहीं पा सकते, ये उनको समझना चाहिए। सोमनाथ भारती के केस में मान लो उन्होंने कहा हाँ, बाद में पाया कि भाई हाँ गलती थी। जितेंद्र तोमर के मामले में देख लो, हाँ पाया गलती थी। एक फर्जी मामले में देख लो, हाँ पाया गलती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं कि हमारी गलतियाँ थी। केजरीवाल साहब के बयान है कि जी हमें इन्होंने धोखे में रखा। अब जब उनके लोग उनको धोखे में रख रहे हैं, हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? विजय गोयल जी से बातचीत करते हुए उनके अनुभवों के बारे में हमने जानना चाहा कि वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में क्या अंतर है, उनके आधार पर किस प्रधानमंत्री को बेहतर और सफल मानते हैं। अटल जी बहुत महापुरुष थे, ये कर्मयोगी हैं, ये 24/7 काम करते हैं। उनका अपना एक ग्रुप था, इनका अपना एक ग्रुप है। मोदी जी के पास एक विजन है, एक चाल है, वो 24/7 करते हैं, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अटल जी जो थे वो विजनरी थे, वो लोगों को लोगों के लिए एक मॉरल थे, एक लोगों के लिए जिसको कहते हैं जी। उनके जैसा नेता ना हुआ ना होगा। तो ये थे NMF न्यूज के साथ खेल मंत्री विजय गोयल, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी ही साफगोई से जवाब दिया। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर अपना भरोसा जताते हुए एक अहम जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में भारत में खेल जगत एक नए आयाम तक पहुंचे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।